गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। चलिए चालू करते हैं। अब ये जो केस मैं बताने जा रहा हूँ, हम लोकल अट्रैक्शन वाला पढ़ रहे थे ना सारा कुछ, तो यही से चालू करेंगे। पिछले क्लास में किसी को डाउट है तो बोलिएगा। चलिए देखिए, थर्ड केस, इफ इंटरनल एंगल इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स n-4 इंटू 90 डिग्री, ये वाला केस है। अगर कोई क्लोज ट्रेवर्स है ऐसा मान लो, सम ऑफ इंटरनल एंगल आपने निकाला, इंटरनल एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है ही, प्लस इंटरनल एंगल भी गलत है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन प्रॉब्लम तो है ही, ये तो है ही, प्लस इंटरनल एंगल इज रॉन्ग। रॉन्ग। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि जो इंटरनल एंगल है उसे आप करेक्ट करिए, है ना। फर्स्ट करेक्ट द इंटरनल एंगल्स, फॉर एग्जांपल कैसे करेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक क्लोज ट्रेवर्स है, ऐसा 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 ऐसा, मान लीजिए ये एक ट्रेवर्स है, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया, ये एंगल ई हो गया, ये एंगल एफ हो गया। तो कितना एंगल, कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 टाइम्स n-4 इंटू 90, 12 - 4 इंटू 90, तो ये कितना होना चाहिए, दिस पर्टिकुलर सम ऑफ ऑल द एंगल्स, एक यहां पे जो सम है आपका, ये कुल मिला के होना चाहिए 720 डिग्री। मतलब जब आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई देखोगे, ये मिला के 720 डिग्री होना चाहिए। इफ नॉट, इफ सम ऑफ एंगल नॉट इक्वल टू 720 डिग्री, तो एरर है। अब देखिए, तो एरर है, तो क्या हो सकता है, सम ऑफ एंगल, या फिर ऐसे लिखता हूं समेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म में, सम ऑफ एंगल कैन बी ग्रेटर देन 722 डिग्री, या फिर सम ऑफ एंगल लेस देन 720 डिग्री। अगर ग्रेटर देन 720 डिग्री आपका सम, तो क्या होगा, मान के चलिए आपका एंगल आ गया
है ना, 730 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 720 डिग्री, तो एरर कितने का आया? एरर पॉजिटिव आया, प्लस 10 डिग्री, तो करेक्शन कितना करना है? यहां पे इंटरनल एंगल को करेक्ट करना है, तो कितने एंगल है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 डिग्री बाय 6, करेक्शन विल बी नेगेटिव टू ईच एंगल, ऐसा समझ में आ रहा है? ओके, सिमिलरली इफ सम ऑफ एंगल इज लेस देन 722 डिग्री, तो एरर होगा नेगेटिव, तो करेक्शन अपने को कर देना है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इंटरनल एंगल को करेक्ट करेंगे, फिर इंटरनल एंगल को करेक्ट करने के बाद हम फिर करेक्ट फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फाइंड करेंगे और लोकल अट्रैक्शन वगैरह फाइंड करेंगे। तो ये वो वाला केस है, ठीक है। अब मैं आपको एक केस और बता रहा हूं, अब मैं आप सभी को एक केस और बता रहा हूं। कहां गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, इंटरनल एंगल भी इफेक्ट होता है, मैंने इसलिए लिखवाया था मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, ठीक है सचिन, इसलिए मैंने लिखवाया था मे बी और मे नॉट बी, इफेक्ट तो होता है। नेक्स्ट केस एक बता रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, केस 4। व्हेन देयर इज नो लाइन हैविंग डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग एग्जैक्टली इक्वल टू 180 degree in a closed traverse, then तो हम क्या करेंगे? तो हम उस लाइन को कंसिडर करेंगे जिसमें एरर कम है, then choose the line having least error then apply the correction as follow, corrections to the as we get to the four bearing and BB of the line as follow, ये important है, objective question में पूछा जाता है। देखिए, correct four bearing of line कितना होगा? जो भी फोर बियरिंग का वैल्यू आपको गिवन है, फोर बियरिंग प्लस करेक्शन जितना भी करना है डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। बैक बियरिंग ऑफ लाइन, जो भी बैक बियरिंग है इसमें से जो भी करेक्शन है उसको डिवाइड करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्मेट काफी ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी करेक्शन है उसका आधा करेंगे और फोर बियरिंग में ऐड कर देंगे, और जो भी करेक्शन है उसका आधा करेंगे, बैक बियरिंग से घटा देंगे,
बहुत गर्मी है रे भाई, ग्लूकोज पानी पी रहा हूं। लिखिए, कंप्लीट करिए। इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। कौन सा? ये लोकल अट्रैक्शन वाला। अब कंपास सर्वे के अंदर एक जो टॉपिक बचा है वो टॉपिक क्या बचा अपना? टाइप ऑफ कंपास, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ कंपास को पढ़ते वक्त थोड़ा फोकस करिएगा, फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक मिनट पानी पी लो थोड़ा। गुड इवनिंग मिथुन। चलिए, टाइप ऑफ कंपास। देखिए, कंपास हमारे पास दो ही तरह के हैं, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। ऊपर वाला जो कंपास देख रहे हो है ना, इसे हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। नीचे वाला जो कंपास देख रहे हो इसे हम बोल रहे हैं सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास काफी कॉम्पैक्ट होती है, इसको यूज करके आप मतलब इसको ना दो तरीके से यूज कर सकते हो। हाथ के ऊपर रख कर भी किसी भी लाइन का एंगल वगैरह मेजर कर सकते हो, ठीक है? हाथ के ऊपर रख कर, ठीक है, हाथ के ऊपर रख कर भी किसी भी लाइन का एंगल वगैरह मेजर कर सकते हो, या फिर ट्राइपॉड के ऊपर। तो कैन बी यूज ऑन हैंड या ट्राइपॉड स्टैंड। लेकिन जो सर्वेयर कंपास है ना, इसे हम ट्राइपॉड पे ही यूज करेंगे, हमें ट्राइपॉड चाहिए ही होती है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा अगर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसका निडिल देखो, प्रिज्मेटिक कंपास का आप निडिल देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए निडिल। तो निडिल चौड़ा होता है ऐसा, इस तरीके का। और ये जो निडिल है ना, ग्रेजुएटेड सर्कल जो है इससे कनेक्टेड होती है। मतलब ग्रेजुएटेड सर्कल मतलब वो सर्कल जहां पे एंगल की रीडिंग लिखी रहेगी, है ना? ये नीडल इससे कनेक्टेड होता है, इधर नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा ऐसा, ठीक है? एंड दिस पर्टिकुलर नीडल इज कनेक्टेड टू ग्रेजुएटेड सर्कल। और ये जो नीडल है ये यहाँ पे देखो, सेंटर पे एक पॉइंट है जहां पे पिन किया गया है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पाइवोट पॉइंट, पाइवोट। और ये जो नीडल है ना, ये देखिए चौड़ा है, इसको हम ब्रोड टाइप ऑफ नीडल कहते हैं, ब्रोड चौड़ा नीडल। तो ये कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर। सर्वेयर कंपास में निडिल ऐसा नहीं रहता है, सर्वेयर कंपास का निडिल इस तरीके का रहेगा, है ना? ऐसा पॉइंटेड रहता है, पॉइंटेड निडिल बोलते हैं इसको। सर्वेयर कंपास को हम सरकम फ्रंटर के नाम से भी जानते हैं, सरकम फ्रंटर। जितने भी वर्ड्स में जितना भी टर्म्स यूज कर रहा हूं यहाँ पे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंपास सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी करवाया था, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग इज ट्रेवर्सिंग। क्या है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे इज ट्रेवर्सिंग। तो अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा अभी। एक चीज मैं खोज रहा था, कहां गया, नहीं मिल रहा है। हाँ, इसको लिखना है तो लिखिए एक नोट में,
लिस्ट काउंट ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे थेरोलाइट है इसका लिस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड, टोटल स्टेशन इसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड, लेवलिंग स्टाफ आगे पढ़ेंगे 5 mm, डंपी लेवल ये भी 5 mm तक का रीडिंग, लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इससे कम का रीडिंग ले नहीं सकते आप, मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय एन सर्वे इंस्ट्रूमेंट। यही पर देखिए जो प्रिज्मेटिक कंपास है 30 मिनट, सर्वेयर कंपास का 15 मिनट, देख रहे हैं ना, प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट एंड सर्वेयर कंपास का 15 मिनट, ओके। तो ये लिस्ट काउंट होती है, ध्यान रखिएगा। आगे हाँ ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिस्ट काउंट वाला लिखिए, हाँ सचिन बिल्कुल, एरर पॉजिटिव तो करेक्शन, फोर बियरिंग नेगेटिव एंड नहीं, फोर बियरिंग में ऐड करना है, अच्छा इसका उल्टा होगा तो, हाँ ठीक है कर दो, अब चलिए देखिए काम पर आते हैं, कंपास के ऊपर आज ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस यही टाइप ऑफ कंपास मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। देखिए ये जो कंपास आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। देखिए इस तरफ से हम देखेंगे तो ये जनरली आई वेन होता है, आई वेन है ना, या फिर आई पीस इसको बोल दो, आई पीस ज्यादा सही रहेगा। इधर से आप ऑब्जेक्ट को साइट करोगे तो इसको साइटिंग या ऑब्जेक्ट वेन या साइट वेन कह देंगे, ऑब्जेक्ट वेन या फिर साइट वेन ये कह देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर क्या है, इस वाले कंपास में इसका मिडिल देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मिडिल देखो चौड़ा है, ब्रोड टाइप मैंने बोला था, चौड़ा मिडिल होता है, और ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है, मतलब वो सर्कल जिसके ऊपर एंगल की रीडिंग लिखी हुई है उससे ये पट्टी कनेक्टेड है, मतलब ये मिडिल कनेक्टेड है ना, तो मिडिल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल आर कनेक्टेड हियर, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ना, जो मिडिल होती है वो ग्रेजुएटेड सर्कल से कनेक्टेड होती है, क्लियर है। सुनिए मान लीजिए, इमेजिन करिएगा, ठीक है जितना बता रहा हूं उतना इमेजिन करिएगा, मान लीजिए कहीं पर जाके आपको इस पर्टिकुलर कंपास को यूज करके एंगल वगैरह मेजर करना है, ठीक है एंगल वगैरह मेजर करना है, तो जैसे ही आप उस लोकेशन पे जाओगे ये कंपास का जो निडिल है ना, ये अपने आप, ये जो कंपास का निडिल है ये अपने आप उस जगह पे जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उस चीज को एस्टेब्लिश कर देगा। मान लो इस तरीके से ये मैग्नेटिक मेरिडियन आ रही है, मतलब इधर नॉर्थ दिखा देगा, इधर मैग्नेटिक साउथ को ये दिखा दे रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इधर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए, समझना बात को, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए, तो अब आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे इस कंपास को यहाँ पर, अब सबसे पहले हम रख देंगे एक रेंजिंग रॉड वगैरह,
और धीरे धीरे हम ये कंपास को, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट ए है तो इस कंपास को इस तरफ रोटेट करेंगे, जब इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है उठ के यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पोर्शन है ये उठ के इसके सामने आ गई होगी और यहां से एक लाइन ऐसे बन रही होगी और यहां से एक लाइन ऐसी बन रही होगी, है ना। मतलब आपने साइड कर लिया, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया, है कि नहीं, आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया। तो समझिए अब मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जब आप इसको पकड़ेंगे और इस तरफ रोटेट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इधर था तो आपको साइटिंग करना था, जब रोटेट करेंगे तो ये चीज, ये आई पीस, ये यहाँ आ जाएगी और ये ऑब्जेक्ट वेन यहाँ पर आ जाएगी इसके सामने। लेकिन ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है, अंदर का बात कर रहा हूँ, ये जो ऊपर देखो शीशा दिख रहा है आपको, शीशा दिख रहा है, इस शीशे के अंदर जो ग्रेजुएटेड सर्कल और मैग्नेटिक नीडल है वो अपना पोजिशन चेंज नहीं करेगा, वो जहां पर है उसी लोकेशन पे रहेगा। बस यही एक यहाँ पे पॉइंट होती है, ठीक है, यहाँ पर यही एक पॉइंट होती है कि ग्रेजुएटेड सर्कल एंड नीडल रिमेन्स स्टेशनरी, बाकी पूरा पूरा ये बाहर का जो डब्बा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है ना ये थोड़ा अलग है। मतलब अब जब इसको इसको पकड़ के रोटेट करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि अंदर वाला रोटेट हो, अंदर वाला मतलब वो ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो रोटेट हो, ये कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर का कवर रोटेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, देखिए ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है ना। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर ये जो ग्लासेस है इसको हम सन ग्लासेस बोलते हैं, सन ग्लास हम क्यों यूज करते हैं, चश्मा। मान लो सूर्य का रोशनी काफी तेज आ रहा है, सूर्य का रोशनी काफी तेज आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में हम अच्छे तरीके से किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये सन ग्लासेस यूज किया जाता है, ये जो कलर्ड ग्लास है, जो जरूरत पड़े आप उसको लगा लीजिए, ग्रीन अगर जरूरत पड़ रहा है ग्रीन लगा लो, अगर दोनों जरूरत पड़ रहा है दोनों यूज कर लो, है ना। इसलिए टू फिल्टर दी इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एंड टेक रीडिंग्स इजीली। सुनिए, ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है यहाँ पे रीडिंग उल्टा लिखा जाता है, इन्वर्टेड शेप में रीडिंग होने के कारण यहाँ पे आगे में एक छोटा सा डिवाइस और भी है जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है ये क्या करता है, ये जो रीडिंग इन्वर्टेड शेप में है उसको इरेक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सीधा करता है, और वो रीडिंग को आप देखते हो ये कलर्ड ग्लास के माध्यम से। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब और एक चीज देखिए, यहां पर एक शीशा लगा हुआ है, इस शीशा को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है इसका क्या काम होता है, मान लो ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से आपको दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपको साइट करना है वो अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, तो हम फिर ऐसे कंडीशंस में रिफ्लेक्टिंग मिरर को यूज करते हैं, मतलब मिरर में हम उसका रिफ्लेक्शन देख करके साइटिंग करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो ये साइटिंग में हेल्प करती है, ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देख कर साइट करने में हेल्प करती है रिफ्लेक्टिंग मिरर। क्लियर है? बस इतना, इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वियर कंपास, आप अब डिफरेंस लिखना चालू करिए, इस पर्टिकुलर टेबल को कंप्लीट करिए। द ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द मैग्नेटिक नीडल, ग्रेजुएटेड रिंग रिमेन्स स्टेशनरी व्हाइल आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, बॉक्स ऑफ द कंपास, बाकी सब रोटेट करता है, बाकी ग्रेजुएटेड रिंग अपने जगह पे फिक्स रहता है। प्रिज्म इज प्रोवाइडेड टू टेक रीडिंग, यहाँ पे प्रिज्म को यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो रीडिंग्स हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा लिखे हुए होते हैं, तो प्रिज्म का काम होता है रीडिंग्स को सीधा करना। जो ग्रेजुएशन है ना वो 0 to 360 degree के रेंज में होता है, कैसे होता है, 0 to 360 degree के रेंज में होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेजुएशन लिखे हुए होते हैं। किस डायरेक्शन में लिखे होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में डायरेक्टली ये एंगल को मेजर कर देता है, कौन, प्रिज्मेटिक कंपास। इसको आप हाथ में रख करके या ट्राइपॉड स्टैंड पे कैसे भी यूज कर सकते हो, दिस इज योर प्रिज्मेटिक कंपास।
ठीक है, दिस इज योर प्रिज्मेटिक कंपास, अब लिख लो ना। अब देखो ये चीज ना बाद में याद करने वाली चीजें नहीं है, मेरे सामने में आप एक बार लिखो, ठीक है, आप एक बार ये टेबल को कंप्लीट करो, एक बार लिख लो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बाद में याद करेंगे, बाद में देखेंगे फिर से दोबारा, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी एक बार लिख लो ना मेरे सामने में, है ना, ये डिफरेंस लिखो ना, समझते हुए चीजों को एक बार इसको लिख लो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, हम यही सोचते हैं बारम्बार। हाँ लिखिए, हम यही सोचते हैं बारम्बार कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, बाद में देख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है दोस्त। हमारे सामने में अभी लिख लीजिए, हर एक स्टेटमेंट को समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। ओके, हाँ पीडीएफ में तो प्रोवाइड रहेगा ही, पीडीएफ जो दूंगा उसमें तो ये तो रहेगा ही, लेकिन अभी मेरे सामने एक बार लिख लो। अभी सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास को लिखो, सिर्फ प्रिज्मेटिक कंपास को लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूँ सर्वेयर कंपास। छोटे छोटे पॉइंट है दोस्त, मुझे ये बताओ प्रिज्मेटिक कंपास के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए, प्रिज्मेटिक कंपास के सभी पॉइंट आपको समझ में आए, क्या क्या पॉइंट था? कि ये होल सर्कल बियरिंग के फॉर्मेट में एंगल को मेजर करके दे देता है, पहला पॉइंट तो ये है ना, होल सर्कल बियरिंग के फॉर्मेट में, ज्यादा इन डेप्थ आपको नहीं जाना है, जितना चाहिए मैं उतना ही बता रहा हूँ। ओके, होल सर्कल बियरिंग फॉर्मेट के फॉर्म में, सेकंड पॉइंट में देखिए, सुनिए दोबारा समझाता हूं, देखिए यहां पे ये देखो, ये स्मिता जी देखिएगा, अंदर का ये जो सर्कल एक आपको दिख रहा हरा वाला, ये सर्कल दिख रहा हरा वाला है ना, इसी को हम बोलेंगे ग्रेजुएटेड सर्कल, ग्रेजुएटेड सर्कल। तो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है इस पर रीडिंग्स लिखी लिखी हुई है, ये उल्टा लिखा हुआ होता है इन्वर्टेड, इसको सीधा करके पढ़ने के लिए ही यहाँ पर प्रिज्म सामने में प्रोवाइड की जाती है। और मान लीजिए सूर्य का रोशनी वगैरह ज्यादा है और हम ठीक से रीडिंग अगर पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ पे ये सनग्लासेस वगैरह प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये दो ये तीन बातें क्लियर, अभी सुनिए है क्या, मान लो किसी लोकेशन पे आप गए सर्वे करने के लिए, किसी लोकेशन पे आप गए सर्वे करने के लिए, तो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है इसी के साथ ये मैग्नेटिक नीडल, इसका इसका जो मैग्नेटिक नीडल है ये कनेक्टेड है, ये मैग्नेटिक नीडल जो होता है इसका ना ब्रोड टाइप ऑफ मैग्नेटिक नीडल होता है, चौड़ा है ना, ब्रोड टाइप चौड़ा है, ब्रोड टाइप ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल इसी ग्रेजुएटेड सर्कल से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। अब सुनिए, जैसे कि अगर मेरे को एंगल मेजर करना है, मान लो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, तो मैं यहाँ पर रेंजिंग रॉड को रखा, अब मुझे इसको साइट करना है, तो ये इधर आई आई पीस है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये आई पीस है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, अब इधर मेरे को साइटिंग करना है, तो मैं इस कंपास को इस तरफ रोटेट करूंगा, जब इस तरफ रोटेट करूंगा तो मेरा ये वाला उठकर यहां पर आ जाएगा और ये चीज इसके सामने आएगा, फिर इसके ऐसे साइटिंग हो जाएगी, दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट, साइटिंग हो जाएगी, है ना, एक लाइन ऑफ साइट आपको मिलेगा, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया ए, तो यहाँ पे आपने रेंजिंग रॉड वगैरह को रखा, तो फिर इस तरीके से आपने साइटिंग किया कुछ,
ये आपका लाइन ऑफ साइट ऐसे डेवलप होगा यहाँ पर, है ना। मतलब कि सीधी बात, अब ये वाली चीज ऐसे उठ के यहाँ पे सामने आ गई होगी और ये जो चीज है यहां से यहां पर आ गई होगी, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, LOS लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल आप मेजर कर लेंगे यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर एंगल यू विल मेजर। तो इस जगह पर आपको रीडिंग ले लेना है, एक बार साइटिंग कंप्लीट हो गई तो इस जगह पर आपको रीडिंग ले लेना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के कंपास में होता क्या है, इस तरीके के कंपास में होता क्या है, क्योंकि देखिए यहीं पर आपको रीडिंग लेना, इसी लोकेशन पर आपको रीडिंग लेना, रीडिंग यहीं पर आपको लेना। तो जैसे जैसे आप साइटिंग करते हुए चल रहे हो तो रीडिंग भी साथ ही साथ लेते हुए चलेंगे, है ना। मतलब हम यहाँ पर इस तरीके के कंपास में साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। इस पॉइंट को भी लिखिए, साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली इन दिस टाइप ऑफ कंपास, ठीक है। साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। तो ये यही बोल रहा था कि जब आप रोटेट करोगे ना, तो ये बाहर का केवल डब्बा जो है वो रोटेट करेगा, मतलब ये आईपीस रोटेट करेगा, ये ऑब्जेक्टिव रोटेट करेगा, ये सारा, फिर ये स्टील कवर जो है बाहर का वो रोटेट करेगा, बाकी अंदर का जो सर्कल है प्लस ये निडिल वो रोटेट नहीं करेगा, वो अपने जगह पे फिक्स है, दैट विल रिमेन स्टेशनरी, बाकी बाहर बाहर के सभी चीजें रोटेट करेंगे। ये पॉइंट लिखा हुआ था पॉइंट नंबर टू में, देखिए, ग्रेजुएटेड रिंग रिमेन स्टेशनरी व्हाइल आई वेन ऑब्जेक्टिव बॉक्स ऑफ कंपास रोटेट, ये तो लिखा था, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिखते हुए चलिए, देखिए क्या लिखेंगे, होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में रहता है आपका एंगल वगैरह, है ना। रीडिंग्स आर इन्वर्टेड, यहाँ पे लिख लो, ऐड करते हुए चलो प्रिज्मेटिक कंपास में, रीडिंग्स इन्वर्टेड होती है। साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये काम को कर सकते हैं। इन पॉइंट को और एक दो पॉइंट को ऐड कर दो यहां पर, ठीक है। इसका मैग्नेटिक नीडल देखिए, इसका मैग्नेटिक नीडल का लिखिए, ब्रॉड टाइप ऑफ मैग्नेटिक नीडल, ये भी लिख लो, ब्रॉड टाइप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जब भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं स्टेटमेंट के अंदर से कोई एक क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर ना तो आज तक कोई एग्जाम में पूछा गया है ना आपसे आगे कोई एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ना इस पर्टिकुलर कंपास का एक बार कंस्ट्रक्शन बताता हूँ थोड़ा सा, किसका, प्रिज्मेटिक कंपास का। देखिए अब मैं आपको रीडिंग लेने का तरीका बताता हूँ प्रिज्मेटिक कंपास का, सुनिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये डायग्राम को बनाइएगा। असली में ये कंपास ऐसा है, ये मान लो स्टील का बॉक्स है बाहर बाहर वाला, दिस इज योर स्टील बॉक्स, ठीक है, ये बाहर बाहर वाला। फिर ये मान लो अंदर का ये ग्रेजुएटेड सर्कल है, ठीक है, अंदर में ये क्या है, ग्रेजुएटेड सर्कल। फिर इसमें ये एक मिनट यार, और इसी से निडिल कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है जिसको आपको साइट करना था, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आप रेंजिंग रॉड को रखे, इसमें झंडा वंडा भी लगाए मान लीजिए। अब सुनना मेरा बात, देखना है कि करके इसमें मार्किंग कैसा होता है, यहाँ पर पाइवट पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, मार्किंग कैसा होता है। अभी देखिए ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये मान लीजिए साउथ है, साउथ पे 0 डिग्री होता है दोस्त, यहाँ पर 180 डिग्री लिखी हुई होगी, इसके यहाँ पे 90 डिग्री लिखी हुई होगी, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, इसी तरीके से यहाँ पे मार्क किया जाता है, ठीक है, कंपास में ऐसा ही लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर आई पीस है या फिर आई वेन जिसको बोल रहे हैं, इस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन,
अब जब आपको रीडिंग लेनी है ना, जब आपको रीडिंग लेनी है तो अब हम क्या करेंगे, कंपास को रोटेट करेंगे, ओके फॉर साइटिंग। जैसे ही कंपास को रोटेट करेंगे, ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है ये अपने जगह पे ही रहेगा और मैग्नेटिक नीडल अपने जगह पे ही रहेगी, बाकी ये पूरा पूरा बाहर वाला कंपास आई वेन और ऑब्जेक्टिव रोटेट करेगा। ठीक है, तो आई वेन यहां पर आ गई उठ के, मान के चलो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर आ गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट वेन। फिर आपने साइटिंग किया तो ये लाइन आपको दिख रही है सीधा सीधा, है ना, इस तरीके से आपने साइटिंग कंप्लीट किया। तो यहाँ पे जो हम रीडिंग लेंगे, अब ये वाला रीडिंग जो है, यहाँ पे जो एंगल पढ़ रहे होंगे हम इसी एंगल को यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ से यहाँ पे 0 डिग्री, तो 0 से ये एंगल को हम पढ़ेंगे जितना भी डिग्री हो। देखो यहाँ पे रीडिंग हम किस तरीके से मेजर करें, देखो क्लॉकवाइज, है ना, और जो रीडिंग है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं। 0 डिग्री साउथ पे, ध्यान रखेंगे 0 डिग्री साउथ पे, फिर 90, फिर 180, फिर 270, तो रीडिंग भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है यहाँ पर। ये भी एक पॉइंट है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये प्रिज्मेटिक कंपास। तो इस रीडिंग को हम नोट करेंगे यहाँ पर, जो भी रीडिंग आएगी, जो भी एंगल की वैल्यू आएगी, इसे नोट करेंगे, रीडिंग नोटेड। जो भी एंगल आएगी यहाँ पर, इस जगह पे जो भी एंगल होगी वो चीज एंगल हम पढ़ेंगे। 50 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, 80 डिग्री हो सकती है, मालूम नहीं। ठीक है, तो ये जो एंगल फिर नोट करोगे, ये डब्ल्यू सर्कल, होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में, फॉर्मेट में ये एंगल आपको दे देगा, मतलब रीडिंग आपको दे देगा। ये जो लाइन देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसी को हम बोल देंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ओके। प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, साउथ पर 0 होता है, नॉर्थ पे 180 डिग्री होता है, साउथ पे 0 होता है, नॉर्थ पे 180 डिग्री होता है। इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ओके। चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए, ये डायग्राम समझ में आया ना आपको, ये इसी तरीके से होगा, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ध्यान रखिएगा। हो गया, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सर्वेयर कंपास, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सर्वेयर कंपास। ओके, देखिए ये है आपका सर्वेयर कंपास, इसको हम बोलते हैं सर्वेयर कंपास। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सर्वेयर कंपास और इसके बारे में लिखिए, इसको हम इंजीनियर्स कंपास भी बोलते हैं, इसको हम सर्कमफेरेंटर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप बिना ट्राइपॉड का यूज ही नहीं कर सकते, मतलब हाथ में रख के यूज नहीं कर सकते, जैसे प्रिज्मेटिक कंपास को कर पा रहे थे, इस तरीके से इसको हाथ में रख के यूज नहीं कर सकते, आपको ट्राइपॉड पे ही रखना होगा। ठीक है, सर्वेयर कंपास का यूज ज्यादा होता है सर्वे की वर्किंग में, मतलब कंपास सर्वेइंग में सर्वेयर कंपास का यूज ज्यादा होता है। ठीक है,
इसमें देखो तामझाम नहीं है, वो प्रिज्म वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इसका जो ग्रेजुएटेड सर्कल होगा, मतलब यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन वगैरह लिखी हुई है, इसमें ग्रेजुएशन सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्ट्रेट है ना, इरेक्टेड फॉर्म में, सीधा सीधा, एम्बुलेंस के जैसा नहीं, इरेक्टेड फॉर्म में ग्रेजुएशन पहले से ही लिखी हुई है। मतलब हमको प्रिज्म वगैरह नहीं चाहिए रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, अपने नेकेड आई से, अपने आंखों से सीधा सीधा हम पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन रीडिंग सीधा सीधा लिखे हैं, उल्टा नहीं लिखे हैं। अगर उल्टा लिखा होता तो प्रिज्म वगैरह चाहिए होता उसको सीधा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रीडिंग जो है सीधा सीधा लिखा हुआ होता है। उसके बाद देखिए जो निडिल है इसका, ये निडिल कैसा है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड निडिल है इसमें, देखेंगे पॉइंटेड निडिल है। अभी सुनते चलिए, मैं आपको बताऊंगा क्या कहाँ लिखना है, पॉइंटेड निडिल है, ठीक है। बस एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो कंपास बताया प्रिज्मेटिक कंपास, उसमें ये मान लो ग्रेजुएटेड सर्कल था, तो निडिल जो था चौड़ा वाला वो रिंग के साथ, ग्रेजुएटेड सर्कल के साथ कनेक्टेड था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो निडिल है और ग्रेजुएटेड सर्कल इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होती है, जस्ट दिस पर्टिकुलर निडिल, ये आपका पाइवट पॉइंट हो गया है ना, ये जो है ये आपका हो गया आई वेन, इधर से देखोगे, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन। निडिल और ग्रेजुएटेड सर्कल के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है। अब जब जब हम साइटिंग करेंगे, सुनना, जब हम साइटिंग करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, निडिल जो है अपने जगह पर रहेगी, निडिल जो है अपने जगह पर रहेगी, बाकी सब कुछ रोटेट करेंगे। सिर्फ इस केस में निडिल अपने जगह पर रहेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है ना, यहाँ पे नॉर्थ होगी। और जब भी हम रीडिंग लेंगे इसका जो नॉर्थ होता है ना निडिल का, मतलब ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ है, तो हम रीडिंग हमेशा यहीं पर नोट करेंगे। इसको हम इंडेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब इस निडिल का जो नॉर्थ है इसको हम इंडेक्स पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इंडेक्स पॉइंट, जहां पर रीडिंग लिया जाए है ना, ऐसा पॉइंट उसको इंडेक्स पॉइंट बोलेंगे। तो हम हमेशा इसका जो ये नॉर्थ वाला जो पॉइंटेड एंड है वहीं पर हम रीडिंग लेते हैं इस तरीके के कंपास में, है ना। मिरर वगैरह, सनग्लास वगैरह, उनका कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्लियर है, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। और सुनिए, जब हम साइटिंग करेंगे, मतलब साइटिंग करते करते वक्त हम कंपास को रोटेट करेंगे, जब कंपास को रोटेट कर रहे हैं तो निडिल अपने जगह पे ही रह जाएगी, ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगी, बाकी सारा कुछ रोटेट करेगा। मतलब ये कंपास का ये बाहरी बाहरी बॉक्स है ना, मेटल बॉक्स, ये रोटेट करेगा, ठीक है, इट विल गेट रोटेटेड। कंपास का ये बाहर वाला बॉक्स रोटेट करेगा, ग्रेजुएटेड सर्कल जो है वो भी रोटेट करेगा, ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्कल भी रोटेट करेगा, बस निडिल जो है ये अपने जगह पे रहेगी, बाकी सब कुछ रोटेट करेंगे। इससे पहले वाले में क्या था, निडिल और ग्रेजुएटेड सर्कल अपने जगह पे थे, बाकी सब रोटेट कर रहा था। इसमें क्या है, केवल निडिल अपने जगह पे रहेगी, बाकी सब रोटेट करेंगे, ये डिफरेंस है, क्लियर है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप, सर्वेयर कंपास, फिर लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजीनियर्स कंपास, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कमफेरेंटर। उसके बाद लिखिए द ग्रेजुएटेड सर्कल एंड निडिल आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वही तो बोल रहा था कि ग्रेजुएटेड सर्कल और निडिल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए दोज आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ग्रेजुएटेड रिंग रोटेट विद रोटेशन ऑफ बॉक्स, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, एज द रिंग इज अटैच टू द बॉक्स ऑफ द कंपास एंड ओनली निडिल रिमेन्स स्टेशनरी। यहाँ पे सिर्फ निडिल अपने पोजिशन पे रहता है, बाकी सब कुछ रोटेट करता है, ठीक है। The graduated ring is graduated with erected, ejected नहीं, erected, ER कर दो, ER, erected figures and no prism is required to take the reading। ये जो इसमें जो observations होते हैं, ये देखो, ये होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में दे रहा था prismatic compass, ये आपको quadrantal bearing system में, QSB system में observations देगा निकाल के, quadrantal bearing system है ना। द इंस्ट्रूमेंट कैनॉट बी यूज विदाउट ट्राइपॉड,
इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आप बिना ट्राइपॉड के यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करता है किसी भी लाइन का, फुल सर्कल बियरिंग नहीं, क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करता है किसी भी लाइन का, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद ये लिख लो नीडल का टाइप, लिख लो नीडल का टाइप, पॉइंटेड नीडल, पॉइंटेड नीडल, ठीक है। और क्या लिखोगे? अच्छा ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा था आपने प्रिज्मेटिक में कि साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली, लेकिन सर्वेयर कंपास में हम साइटिंग और रीडिंग को साइमल्टेनियसली नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बताऊंगा, पहले इसको लिख के कंप्लीट करिए। सभी पॉइंट समझ में आए? यहाँ पे साइटिंग और रीडिंग एक ही साथ नहीं कर पाते, पहले हमें साइटिंग करना होगा फिर हम जाके रीडिंग लेंगे, पहले साइटिंग करेंगे फिर जाके उठ के रीडिंग लेंगे। पहले हमें साइटिंग करना होगा फिर हम जाके उठ के रीडिंग लेंगे, बोलिए, बोलो सजिन। और ऐसा क्यों है मैं आपको अभी समझाऊंगा। लिख लिया, पहले ये बताओ, लिख लिया ये सब, लिखने के बाद एक पॉइंट लिखिएगा लास्ट में सर्वेयर कंपास में कि साइटिंग एंड टेकिंग रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड टेकिंग रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग एंड टेकिंग रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली, साइटिंग और रीडिंग लेना एक साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आगे समझाऊंगा। हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके लास्ट में उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, साइटिंग एंड टेकिंग रीडिंग कैन नॉट बी डन साइमल्टेनियसली। ऐसा क्यों है अभी आपको समझा रहा हूं, देखिए सुनिए। चलो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको सीधा सीधा डायग्राम ही बना देता हूं, है ना, डायग्राम बना देता हूं। देखिए डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रीडिंग वगैरह मेंशन्ड होता है वो कैसे रीडिंग होता है देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये तो आपका प्रिज्मेटिक कंपास का है, देखिए ये डायग्राम बनाइएगा। ये मान लीजिए
यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है मान के चलो ए, यहां पे आपने रेंजिंग रॉड रखा, फ्लैग भी लगा हुआ है, ये मान लीजिए पाइवट पॉइंट, और यहीं से निडिल आपकी कनेक्टेड है, पॉइंटेड टाइप ऑफ निडिल, इस तरीके का निडिल है। इस पर रीडिंग कैसे होता है देखिए, जब आप पहली बार सेट करोगे ना कंपास को, तब यहाँ पे 0 नॉर्थ होगा, यहाँ पे 0 डिग्री साउथ होगा, फिर इस तरफ लिखा रहता है 0 ईस्ट, इस तरफ लिखा रहता है 0 वेस्ट। इस कंपास में ऐसे ही लिखा रहता है, जो ग्रेजुएटेड सर्कल है उस पर रीडिंग इसी तरीके से मेंशन होती है। इसमें मुझे नहीं पूछना कि ऐसा क्यों, इसी तरीके से मेंशन होती है, इसके पीछे भी लॉजिक है ना, लेकिन आपको बस ये ध्यान में, अभी पता चल जाएगा अपने आप, ये ध्यान में रखना है कि इसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग होता है। ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। यहाँ पर होगा आई वेन, यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट वेन, अभी देखिए जब हम कंपास को रोटेट करेंगे, क्योंकि हमको साइटिंग करना है, तो मान लो इस तरफ मैंने रोटेट किया, तो मैंने क्या बोला अभी एक पॉइंट, कि जब हम रोटेट करेंगे तो उस दौरान क्या हो रही है, सभी कुछ रोटेट हो रहा है। सभी कुछ रोटेट होने का मतलब क्या है, सिर्फ निडिल को छोड़ के बाकी सब कुछ रोटेट हो रहा है, ये ग्रेजुएटेड सर्कल वगैरह भी रोटेट हो रहा है। अगर ग्रेजुएटेड सर्कल रोटेट हो रहा है तो रीडिंग्स वगैरह भी रोटेट हुआ होगा, रीडिंग्स वगैरह भी रोटेट हुआ होगा, है ना, रीडिंग्स वगैरह भी रोटेट हुआ होगा। रीडिंग्स रोटेट होने का क्या मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सुनिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा 0 नॉर्थ, ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 0 नॉर्थ। सुनिए, इसका मैं दूसरा डायग्राम बना के दूंगा, अभी पहले आप इसको लिखो, है ना। ये हमने साइटिंग किया, कंपास को रोटेट किया, इस तरीके से साइटिंग किया, तो आई वेन आ गई आपकी यहां पर और आपका ऑब्जेक्ट वेन आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला उठ के इधर आ गया और ये चीज उठ के यहाँ पर आ गई, है ना, आपका अभी साइटिंग हो गया, आपने साइटिंग कर लिया, साइटिंग डन। अब आपको लेनी है रीडिंग, तो मैंने क्या बोला कि ये सर्वेयर कंपास है, तो यहाँ पर रीडिंग जो हम लेंगे हमेशा इसके इंडेक्स पॉइंट में लेते हैं, तो दिस इज योर इंडेक्स पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है ना, ये इंडेक्स पॉइंट है। रीडिंग हम हमेशा यहाँ पे लेंगे, अगर रीडिंग हम हमेशा यहाँ पे लेंगे तो अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर खड़े रह के साइटिंग कर रहे थे, तो साइटिंग एक बार हो जाने के बाद फिर उठेंगे, उठ के जाएंगे और इधर इधर देखेंगे यहाँ पर, तो हमें अपना पोजिशन चेंज करना होगा, फिर जाके वहां पर रीडिंग को पढ़ना होगा। इसलिए मैंने बोला कि इस तरीके के कंपास में साइटिंग करते वक्त एक ही साथ रीडिंग भी नहीं ले सकते, है ना, साइटिंग अलग होती है, रीडिंग अलग होती है, एक बार साइट किया फिर जाके रीडिंग लोगे, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। तो एक बार जब साइटिंग कंप्लीट हो गई, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइटिंग देखिए कंपास कैसा दिखेगा, सुनिए, आपकी साइटिंग हो गई कंप्लीट, है ना, ऑब्जेक्ट इधर था, ए, साइटिंग कर ली आपने कंप्लीट, मान लो इस तरीके से साइटिंग हुआ है, आपका निडिल यहाँ पर है, दिस इज योर पाइवट पॉइंट, निडिल अपने जगह को चेंज नहीं किया, निडिल अपने जगह पर ही है हमेशा से। अब हुआ ये कि पहले देखो यहां पर 0 डिग्री साउथ था, अब 0 साउथ यहां पर आ गई होगी, क्योंकि आईपीस आपका यहां पर आ गया, 0 नॉर्थ यहां पर आ गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, फिर यहां पर कहीं पर 0 ईस्ट, सॉरी 90 ईस्ट आ गई होगी, फिर यहां पर कहीं पर 90 वेस्ट आ गई होगी, ऐसा, ठीक है। अब जो रीडिंग हम लेंगे, सुनिए, हम इस वाले रीडिंग को नोट करेंगे, हमको रीडिंग यहां पर पढ़ना है ना, तो हम यहां से लाइन ऑफ साइट से
यहां पर ये रीडिंग को हम पढ़ेंगे, मान लो ये एंगल है थीटा डिग्री, ठीक है, तो ये रीडिंग हम पढ़ेंगे। तो देखना मैं अभी कहां से कहां गया, नॉर्थ से थीटा डिग्री ईस्ट की तरफ गया कि नहीं, रीडिंग पढ़ने के लिए। नॉर्थ से थीटा डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, तब जाके मैं एंगल पढ़ रहा हूं। तो इस वाले लाइन का ये है बियरिंग। इस तरीके से हम कुछ रीडिंग पढ़ते हैं। यहां पर सर्वेयर कंपास को यूज करके आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, दोनों मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आपको रीडिंग्स पढ़ के देता है। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, है ना, पढ़ सकते हैं रीडिंग्स, मतलब सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, मतलब यहां जहां पर हम अपने को रीडिंग पढ़नी है, इंडेक्स, इस इंडेक्स पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन इज टेकन। ओके, क्लियर। इस तरीके से यहां पे रीडिंग को पढ़ा जाएगा, नॉर्थ से थीटा डिग्री ईस्ट, इस तरीके से एंगल को लिखेंगे, ठीक है। ग्रेजुएटेड सर्कल यहां पर रोटेट होता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, बना लो। हाँ, तो नॉर्थ से ही तो मेजर किया मैंने, देखो जरा, नॉर्थ से थीटा डिग्री ईस्ट की तरफ गया, यही तो मेजरमेंट हुआ है। रेफरेंस नॉर्थ ही है मेरा, रेफरेंस इज माई नॉर्थ ओनली, नॉर्थ से थीटा डिग्री ईस्ट की तरफ गया, है ना। ये वर्किंग है कंपास का, मतलब इस तरीके से कंपास को यूज करोगे आप, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सभी, हो गया कंप्लीट। हो गया, अब एक छोटा सा नोट और लिखना है, चलिए हेडिंग डालेंगे टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। टेम्पररी एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कंपास को सेट किया है, यहां से रीडिंग ले रहे हो, फिर इस वाले स्टेशन का काम खत्म हो गया, तो स्टेशन बी पे आपको कंपास को लेके जाना है, तो यहां से रीडिंग लेना है, तो मुझे पहला लोकेशन से कंपास दूसरे लोकेशन पे लेके जाना है, दूसरे से तीसरे पे लेके जाऊंगा। तो जब भी मैं किसी लोकेशन पे कंपास को शिफ्ट करूंगा, तो मुझे हर बार एक कुछ एडजस्टमेंट करना होगा अपने कंपास के अंदर, और उन एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो कंपास के अंदर जो टेम्पररी एडजस्टमेंट होते हैं, है ना, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रिज्मेटिक कंपास। ओके, तो बेसिकली ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये प्रिज्मेटिक कंपास के लिए है, है ना, प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। सर्वेयर कंपास में भी एडजस्टमेंट आपको यही मिलेंगे, ठीक है। सुनिए, जो एडजस्टमेंट है वो कौन कौन से हैं, व्हाट आर दी एडजस्टमेंट। देखिए, पहला सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग मतलब ये मान लो कंपास है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है और ग्राउंड पे जो पॉइंट है स्टेशन ए, ये दोनों एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, मतलब हम कंपास को ट्राइपॉड पे रख के काम कर रहे हैं ना, तो कंपास का सेंटर और ग्राउंड का पॉइंट वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। प्लम्बॉब को यूज करेंगे, प्लम्बॉब को यूज करके ये चीज करेंगे, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंटरिंग। तो द पाइवट पॉइंट एंड स्टेशन पॉइंट ऑन द ग्राउंड मस्ट बी इन ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद कंपास आपका लेवल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कंपास को आपने सेट किया तो ये जो बॉक्स है कंपास का इस तरीके से कुछ इंक्लाइन सेट हो गया, नहीं, एकदम वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, है ना, लेवल होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर एक बूंद अगर पानी रख दूं तो जहां पर रखूं वो वहीं पर रह जाए, ना इधर लुढ़के ना उधर लुढ़के, मतलब कंप्लीटली लेवल होना चाहिए, ठीक है।
कंप्लीटली लेवल्ड होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा टेम्पोररी एडजस्टमेंट है प्रिज्मेटिक कंपास का, है ना। प्रिज्मेटिक कंपास में और एक एडजस्टमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फोकसिंग, और सर्वेयर कंपास में बेसिकली सेंटरिंग और लेवलिंग तक ही आपका एडजस्टमेंट होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है ना। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में क्या है, यहाँ पे प्रिज्म वगैरह रहता है ना, तो प्रिज्म वगैरह को फोकस करना पड़ता है, ठीक है। प्रिज्म वगैरह को फोकस करना पड़ता है, मतलब प्रिज्म को ऊपर या नीचे करके हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि जो भी रीडिंग वगैरह है उनको हम ठीक से ले पाए। तो इसको बोला जाता है फोकसिंग। द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन इन इट्स स्लाइड टिल द ग्रेजुएशंस ऑन द एल्युमिनियम रिंग आर सीन क्लियर शार्प एंड परफेक्ट फोकस। द पोजिशन ऑफ द प्रिज्म विल डिपेंड अपॉन द व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब प्रिज्म को ऊपर नीचे करके हम ऐसा पोजिशन पे लेके आते हैं ताकि जो रीडिंग्स वगैरह हैं वो हमें क्लियरली दिखे, इस चीज को बोला जाता है फोकसिंग। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर सेंटरिंग, लेवलिंग एंड फोकसिंग रहेगा। टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेयर कंपास अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सेंटरिंग एंड लेवलिंग रहेगा और कुछ नहीं रहता। सेंटरिंग एंड लेवलिंग रहता है और कुछ नहीं रहता है, ठीक है, ओके। सेंटरिंग एंड लेवलिंग रहता है, बाकी और कुछ नहीं रहता। नेक्स्ट नोट, दिस सर्वेयर कंपास इज यूजुअली लार्जर, ये बड़ा होता है सर्वेयर वाला, एंड मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू प्रिज्मेटिक कंपास, एंड इज जनरली यूज्ड ऑन ए स्टैंड और ट्राइपॉड को यूज करके ही हम सर्वेयर कंपास को यूज करके एंगल वगैरह मेजर कर रहे होते हैं। द प्रिज्मेटिक कंपास इज ऑफन स्मॉल पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, विच इज हेल्ड इन हैंड फॉर ऑब्जर्विंग, या फिर आप ट्राइपॉड पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर हाथ में रख करके भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह ले सकते हैं। और जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है वो लेस एक्यूरेट वर्क के लिए यूज करेंगे, लेकिन सर्वेयर कंपास के लिए अगर हाई एक्यूरेट वर्क आपको करना है तो वहां पे हम सर्वेयर कंपास को यूज करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट 30 मिनट, सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट 15 मिनट होता है। आगे बताया था मैं, ठीक है, सब पहले ही बताया था ये लिस्ट काउंट, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, क्लियर, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, हो गया। सो इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त और क्लियर हो जाएगा आपका माइंड इनके ऊपर, कंपास के ऊपर। आप अभी ये क्लास पढ़ लिए हैं, इसके बाद जाइए कंपास के ऊपर दुनिया भर का जो भी किताब है उसको निकाल लो, उसमें से आप क्वेश्चन देखो, देखना सभी सॉल्व हो रहे होंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि छूट जाएगा, क्योंकि मैंने सारा ही कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछा हो, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है दोस्तों। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर क्लास हियर ओनली। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस। किसी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, एनीवन वांट टू से एनीथिंग। अरे लाइक मतलब हाँ बस इतना काफी है, थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आई एम एंडिंग दिस, ओके, ऑल टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू राहुल, थैंक यू पवन जी। आप लोग क्वेश्चन अभी तुरंत ट्राई करिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।